Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक UGC नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडे सेशन। टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपकी जो पेपर वन की फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन की, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस यूनिट को हम तीन क्लासेस में या तीन लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लें, बिकॉज कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है लेकिन उसी के साथ साथ 5 क्वेश्चंस इससे आते हैं और जो कंटेंट है इसका, जो सिलेबस है इसमें, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिकी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार कंटेंट अच्छे से समझ लिया है, कम्युनिकेशन के सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को या ट्रिकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कम्युनिकेशन के कंप्लीट करेंगे और जो बच जाएंगे टॉपिक्स उन्हें हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में PYQs के साथ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके साथ ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी आपसे सिलेबस। सिलेबस जो आपका है उसमें 4 या 5 टॉपिक्स मेंशन हैं और कुछ सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हम इस मॉड्यूल में उसके बाहर से भी जितनी चीज़ें प्रीवियसली आपके एग्ज़ाम में आई हैं या जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती हैं और आप इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं हैं उन टर्म्स से, उन टॉपिक्स को भी हम इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है वो ये है कि आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर हो, आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्लियर हो कि क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं उन पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है और अगर आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लें कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस इन टोटैलिटी क्या होता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ इस सेक्शन में कई बार कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं कुछ मॉडल्स जो हैं बहुत डिटेल में नहीं, बिकॉज ये फिर ICT या मैनेजमेंट, जो IT के बच्चे या कंप्यूटर साइंस के या मैनेजमेंट के बच्चे हैं उनके हिसाब से टॉपिक हो जाता है, लेकिन जो बेसिक मॉडल्स कम्युनिकेशन में पॉपुलर हैं उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पार्ट में अनदर क्वेश्चन जो फ्रेम होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ से फ्रेम होता है। कम्युनिकेशन के टाइप्स, जितने भी टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल हो गया, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया, कल्चर के कंटेक्स्ट में हाई कंटेक्स्ट, लो कंटेक्स्ट हो गया, और कंटेक्स्ट का एक नया टॉपिक है, इन्होंने उस पर भी क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे किस कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके भी सब पार्ट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन या जो नॉइस का फैक्टर होता है, अगला क्वेश्चन जनरली उसके अराउंड फ्रेम होता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स नॉर्मल कंटेक्स्ट में भी और क्लासरूम के कंटेक्स्ट में, बिकॉज ये सब्जेक्ट टीचिंग का है तो बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं इसमें आपसे एक्सपेक्ट करता कि आपको पता हो, लेकिन क्लासरूम टीचिंग जो होती है, जो एक लर्नर और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, वो कैसे इफेक्टिव हो सकती है और उसके कौन से बैरियर्स होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये आपको मालूम हो। एंड फाइनली एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का या जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है, वो मास मीडिया या सोसाइटी, मास मीडिया जो हमारी है वो भी कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसका क्या सिनेरियो है करंट उसको लेकर या जो सोसाइटी को लेकर कैसे इवॉल्व हुई, मास मीडिया की जो थ्योरीज हैं 3 उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और इन 4 चीज़ों के अलावा भी आप देखेंगे हम इन स्लाइड्स में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं, सिलेबस में सीधे मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है और प्रीवियस ईयर्स में आया है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने बीच बीच में डाला है, तो हम साथ में उनको भी कवर करते हुए जाएंगे। तो जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन से।
देखो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जनरली आपसे पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, तो कम्युनिकेयर और कम्युनिकेशियो जो कि फ्रेंच वर्ड में जब पूछते हैं तो कम्युनिकेशियो जो थोड़ा सा अनपॉपुलर है, ये वाली टर्म थोड़ी सी अनपॉपुलर है इसलिए बच्चों ने नहीं सुना होता। अगर स्पेशली पूछता है किस फ्रेंच टर्म से डिराइव हुआ है तो कम्युनिकेशियो है, अदरवाइज जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कहाँ से होता है, वो लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड डिराइव हुआ है और लैटिन में इसको बोला जाता है कम्युनिकेयर और जिसका मतलब होता है टू शेयर। याद कर लीजिए प्लीज, कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयर करना। अब आप शेयर क्या करेंगे, वो शेयर जो आप कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी एन आइडिया, कोई आइडिया हो सकता है आपका, कोई बिलीफ हो सकता है, कोई आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसे आप शेयर कर रहे हैं, आपकी कोई नॉलेज हो सकती है, कुछ भी जो आप एक दूसरे पर्सन के साथ या रिसीवर के साथ शेयर कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन होता है। आगे देखते हैं, वही बात लिखी है, देखिए मीन्स इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फैक्ट्स ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में देखो, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, इट्स एन इंट्रैक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड इट्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, किसी को कुछ बताना, सुनना और समझना। अब इस सबको अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कम्युनिकेशन में मैं एग्जाम्पल लूँ कि कैसा होता है कम्युनिकेशन जनरली, तो मान लीजिए मैं इस टाइम आपसे बात कर रही हूँ इस लेक्चर के थ्रू, ये भी एक कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं जनरली, वो भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। ये एग्ज़ाम जो UGC का है ये जून में होगा या नहीं होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है जो साइट आपको देगी अगले कुछ दिनों में, वो भी एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको कोई ना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है, जो फैक्ट ही तो है जो आपसे शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में या फिर अपने फोन्स में सोशल मीडिया के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, और लेटेस्ट एग्जांपल, आप एक ऐप का यूज करके ओला से या किसी और ऐसी साइट से आप क्या कर रहे हैं, आप एक टैक्सी को बुक कर रहे हैं, कैब को बुक कर रहे हैं, तो वो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप घर बैठे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी सर्विसेज से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसमें भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक बेसिक बातचीत से लेकर न्यूज़पेपर, मीडिया या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या किसी से इशारों में बात करना, ये सारी ही तरह जो होती हैं, ये सारे एग्जांपल्स एक बेसिक कम्युनिकेशन के होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट के कंटेक्स्ट में जब कोई कम्युनिकेशन होती है तो उसे ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा हम दो लोग जहाँ पर मौजूद हैं, एक सेंडर जिसको मैसेज भेजना है और एक रिसीवर, तो उनके बीच में जो शेयरिंग होती है, उनके बीच में जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो क्या होती है, वो बन जाता है आपका कम्युनिकेशन। तो ये हुआ इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं एलिमेंट्स, किसी भी प्रोसेस को ये कहने के लिए कि ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इन पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। अगर कहीं पे भी मुझे कोई मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल मैं आज ये मैसेज दे रही हूँ कि कल आपकी कम्युनिकेशन का सेकंड क्लास होगी, तो आई एम सेंडिंग दिस मैसेज, तो एक सेंडर वहाँ पर मौजूद है। आपने इस मैसेज को रिसीव किया इंटरनेट से, यूट्यूब में या आपकी मेल में या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन मिला, तो आपने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। मैसेज क्या था, वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपकी कम्युनिकेशन की तीन क्लासेस में ये यूनिट कंप्लीट होगी। मीडियम मैंने क्या यूज़ किया इसमें, मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ किया और आपको मैसेज दिया। और फीडबैक क्या हो गया, अगर आपका थम्सअप आ जाता है या आपका कमेंट आ जाता है कि हाँ अंडरस्टूड मैम, वी हैव गॉट द मैसेज, हम आपके क्लास में कल होंगे, तो आपने मुझे एक फीडबैक दे दिया। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं इसकी, तो किसी भी प्रोसेस को कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहने के लिए मेजरली इन पांच चीज़ों का होना ज़रूरी है और तब वो क्या बन जाता है, एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं इसको बिल्कुल और नॉर्मल करूं कि आप कहीं घर से बाहर गए और आपकी फैमिली से, आपकी मदर ने आपको कॉल किया और आपसे पूछा कि आप घर कब आएंगे, तो एक तरह से वो क्या कर रही हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं। मदर आपकी सेंडर है, आपके पास कॉल किया, आप रिसीवर हैं, मैसेज
मैसेज क्या था, आपसे इंक्वायर कर रही थी कि घर कब आएंगी, और मीडियम क्या यूज़ कर रही थी, टेलीफोन का या मोबाइल का यूज़ कर रही थी, और आपने फीडबैक क्या दिया कि मैं शाम को 6 बजे तक, आई विल बी बैक बाय 6 इन द इवनिंग। तो आपने क्या दे दिया, अपनी मदर को एक फीडबैक दे दिया, एक अश्योरेंस दे दिया कि मैंने आपके मैसेज को, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो समझ के आपको ये जवाब दिया है। तो ये 5 चीज़ें मिलकर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। SMCR मॉडल, कुछ टाइम पहले तक UGC का एक फेवरेट टॉपिक था ये SMCR मॉडल। बार बार वो पूछता था कि कम्युनिकेशन के मॉडल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस बताओ या एलिमेंट्स के नाम बताओ। तो ये SMCR का मतलब कुछ नहीं है, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, वही सेंडर, मैसेज और चैनल जिसके थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं, और रिसीवर है। इसको एलैबोरेट करने के लिए क्वेश्चंस कभी नहीं आए, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसको एलैबोरेट किया है कि SMCR मॉडल जो था वो यही बताता है कि कोई कम्युनिकेशन में जो आप कुछ भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहली बात कि वो एक सोर्स से स्टार्ट होता है। सोर्स का मतलब है जहाँ पे आपका मैसेज इनिशिएट हुआ, जहाँ पे आपने अपने मैसेज को स्टार्ट किया। तो आई जस्ट राइट हियर, जहाँ पे आपका मैसेज क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, वो आपका हो गया सोर्स। मान लीजिए मैं हूँ और मैंने क्या किया, अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी उसको आपको भेजना है। तो उसको भेजने के लिए मैंने मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं कितना बोल, कैसे बोल सकती हूँ या कैसे लिख के आपको मैसेज दे सकती हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरी नॉलेज उस टॉपिक को लेकर, मेरी नॉलेज कितनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। सोशल सिस्टम, मैं किस सोसाइटी में रह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये क्या कर रही हूँ, वी आर हैविंग अ क्लासरूम काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो इस टाइम पे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल सिस्टम है वो क्लासरूम है। कल्चरल वैल्यूज़, मैं किस कल्चर को बिलोंग करती हूँ, वो भी इम्पैक्ट करता है मेरे मैसेज को भेजने के। तो इतना आपसे नहीं पूछेगा, ये मैंने जनरली लिखा है, बट आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलकर जो सोर्स है जहाँ पे मैसेज इनिशिएट हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद क्या होता है, जो मेरे को मैसेज भेजना है उस मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उस मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, अगर वो एक रिटन मैसेज है या वर्बल मैसेज है तो उसकी एक बॉडी होती है, एक मैसेज की बॉडी होती है जो कि ये बताती है कि ये इस मैसेज की स्टार्टिंग है, ये इसकी मेन पार्ट है जो मुझे पॉइंट्स बताने हैं, और ये मेरी एंडिंग है। इसको आप ज़्यादातर फॉर्मल या रिटन कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या आपने कोई ऑफिशियल लेटर है वो फॉरवर्ड करना है, तो इट हैज़ अ बॉडी। या वहीं अगर आप मेरे लेक्चर से इसको कंपेयर कीजिए तो मेरे लेक्चर की भी एक बॉडी है, दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक, देन आई हैव रिटन और आई हैव मेड वेरियस स्लाइड्स अबाउट द कंटेंट, और अब मैं आपको एक एक करके उसको समझाऊंगी। उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, कोड है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये मैसेज एक चैनल के थ्रू, चैनल क्या हो गया, वो मीडियम हो गया जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन या जो आइडियाज, फैक्ट्स या नॉलेज है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगी। अब वो जो चैनल है वो हियरिंग, सीइंग, यानी कि आपकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैसेज होते हैं जैसे कि जो आपने सुने, जिन बातों को आपने सुना तो उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ चीज़ों का। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने आपको बोली और आपने उसको सुना, लेकिन सुनने में क्या हो गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो आपके जो चैनल में थी उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे चैनल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी के लिए इतना ही समझते हैं। और रिसीवर वो फाइनल एंड पॉइंट है जिस पे आपको मैसेज देना है, और उसकी भी यही सारी चीज़ें, कैन यू सी दीज पॉइंट्स आर, वी आर रिपीटिंग द पॉइंट्स हियर, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स, कि उस रिसीवर का भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, अपना एटीट्यूड, नॉलेज और सबसे सोशल सबसिस्टम और कल्चरल सिस्टम होता है जिसके अनुसार, जिसके आधार पर वो आपके मैसेज को रिसीव करता है। अगर सोर्स और रिसीवर में कंपैटिबिलिटी नहीं हो, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं हो, तो मैसेज के डिस्टॉर्ट होने के या गलत तरह से समझने के आसार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही हम बात करें कि मैं आपको कोई मैसेज देना चाहती हूँ और आप विलिंग नहीं है उस मैसेज को सुनने के लिए, या फिर आपके कोई एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, आपको मैसेज अपने हिसाब से नहीं लग रहा, तो आप उस चीज़ में अटेंशन नहीं देंगे, आपका अटेंशन स्पैन कम होगा या आप उस इन्फॉर्मेशन को आधा या गलत समझेंगे। तो सोर्स और रिसीवर की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। SMCR मॉडल के नाम पे आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन का मॉडल है और किन 4 एलिमेंट्स की को बात करता है, उनके नाम पता होने चाहिए।
आगे चलते हैं। वही कम्युनिकेशन के मॉडल्स के नाम पे मैंने देखा है कुछ टाइम से वो और घुमा के क्वेश्चन पूछने लगा है कि क्या कम्युनिकेशन लीनियर होती है, इंटरैक्शनल होती है या ट्रांजैक्शनल होती है। तो ये तीन चीज़ें भी मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपके लिए ऐड की हैं। बेटा कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट में होता है, तो इसके फर्दर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे एकेडमिशंस थे, बहुत सारे बर्लो के मॉडल्स आए हैं और बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनकी सब कैटेगरीज हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में, इस सेक्शन में आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के जो बेसिक मॉडल का जो हेडिंग है वो क्या है। तो कम्युनिकेशन के मॉडल्स को इन तीन पार्ट्स पे बाइफर्केट किया गया है, कुछ लीनियर मॉडल्स हैं, कुछ इंटरैक्शनल्स हैं और कुछ ट्रांजैक्शनल हैं। अब इनका मतलब क्या है, देखो डायग्राम से ही आपको सिखा देती हूँ मैं कि लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब, अधिकतर हम ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एक सेंडर और रिसीवर होता है। बिल्कुल सेंडर और रिसीवर तो होता है, लेकिन जो मैंने कम्युनिकेट किया अगर रिसीवर की तरफ से मुझे वापस फीडबैक नहीं मिल रहा या अंडरस्टैंडिंग का मैसेज नहीं मिल रहा तो वो क्या हो गई, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो गई। क्या हो गई, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही है, ये सेंडर है और अगर ये रिसीवर है तो जो सेंडर है उसने जो बोला लिखा या किसी भी तरह से कम्युनिकेट किया वो वापस नहीं आ रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि कैन कम्युनिकेशन बी अ लीनियर मॉडल और अ लीनियर प्रोसेस, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल यूनिप्रोसेस, तो आपका आंसर होगा येस, कम्युनिकेशन कैन बी अ लीनियर प्रोसेस ऑल्सो, पहली चीज। दूसरा मॉडल फर्दर इवॉल्व हुआ, इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल का मतलब क्या है, देखो एरोस से आप देख रहे हो, सेंडर ने जो कहा वो रिसीवर के पास गया और सिंस कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस तो रिसीवर ने जो उसको समझा वो उसने उसको बताया, तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, इट इज टू वे कम्युनिकेशन हो गया, और या फिर आप इसको कह सकते हो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो गया। अब ट्रांजेक्शनल क्या है, ये फर्दर थर्ड इवॉल्व स्टेज है और इसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पॉपुलर हैं। ट्रांजेक्शनल मॉडल का सीधे शब्दों में मतलब होता है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, आई जस्ट राइट हियर इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है दो लोगों के बीच, जो दो लोगों के बीच होती है उसमें ट्रांजेक्शनल मॉडल ये कहता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो इंटरचेंजेबली अपने रोल चेंज करते रहते हैं, मतलब कि बात करने के दौरान या कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान कभी मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं, कभी आप सेंडर हैं और मैं रिसीवर हूँ, मतलब कि कंटिन्यूसली जो है हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग, प्लीज राइट डाउन, exchanging the roles. कौन एक्सचेंज कर रहा है, सेंडर एंड रिसीवर। वी आर कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग द रोल्स, सेंडर कभी रिसीवर है, रिसीवर कभी सेंडर है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ, आप उसका जवाब दे रहे हैं, फिर उसका मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं, फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, तो क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन रिसीवर है और कौन सेंडर है। क्यों, बिकॉज वी हैव इवॉल्व सो मच, वी हैव रीच द थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट नाउ देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वंस अ सेंडर कैन बी अ रिसीवर ऑल्सो एंड अदर मोमेंट रिसीवर कैन बिकम द सेंडर ऑल्सो। सो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, सो दैट वी बोथ आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड रिस्पॉन्डिंग एट द सेम टाइम, ये थर्ड लेवल जो है ये इस तरह की कम्युनिकेशन को जो है वो डिनोट करता है, इम्प्लाई करता है। इससे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं इसके बारे में डिटेल में जानना है, बस इतना जानना है कि कम्युनिकेशन के तीन लेवल्स हैं मॉडल्स के और उनके फर्दर मॉडल्स, उनका मतलब क्या है कि एक यूनिडायरेक्शनल है, एक बाईडायरेक्शनल है और एक ट्रांजेक्शनल जिसमें दे एक्सचेंज देयर रोल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वर्ड मैंने इसलिए डाले हैं कि ताकि इनमें से किसी भी वर्ड को पकड़ के अगर वो आपसे कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पूछ लेता है तो आपको पता हो। कई बार वो एक ऐसा एग्जाम्पल कोट कर देता है कि जिसका मतलब जो होता है वो इन प्रॉपर्टीज़ में छुपा होता है, तो वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन एक कैसा प्रोसेस है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट, इट्स एन साइंस एंड इट इज़ एन क्राफ्ट, ये तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आर्ट इसलिए बिकॉज कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका आर्टिकुलेशन, आपका तरीका बोलने का, आपका स्टाइल जो है, आप कुछ भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इफ़ यू आर नॉट आर्टिस्टिक, इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, आपका मैसेज इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं लगेगा। इट्स अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज सर्टन प्रिंसिपल्स। क्या करती है कोई भी चीज़ साइंस कब होती है, जब वो कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलो करती है। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। इट्स अ वेल डिफाइंड प्रोसेस एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स अ साइंस ऑल्सो। एंड नाउ फॉर योर नॉलेज इट इज़ अ क्राफ्ट ऑल्सो, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को क्लब करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे आपको एक यही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और आपको कोई लेक्चर पढ़ा रही हूँ और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। तो एक होता है नॉर्मली पढ़ाना, चाहे मैं कितने भी अच्छे से बोल रही हूँ, चाहे मैंने आपको सारे पॉइंट साइंटिफिकली जॉट डाउन करा दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन अब मैं इस प्रेजेंटेशन के उससे क्या कर रही हूँ, आपको एक मॉडल दिखा रही हूँ, उस मॉडल से आपको वो चीज़ें याद हो रही हैं। तो आई एम यूजिंग अगेन माई क्रिएटिविटी इन फॉर्म ऑफ सम एक्टिविटी, तो क्या है ये क्राफ्ट भी बन जाता है। तो इसी तरह से तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि आर्ट, साइंस और क्राफ्ट है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज़ साइक्लिकल एंड डायनेमिक। दोनों वर्ड्स ध्यान से देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, हालांकि मैंने लिखे साथ में हैं ताकि आपको पॉइंट्स कम याद करने पड़े, बट हम इसका मतलब समझते हैं। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस बाय, एज आई सेड, बिकॉज सेंडर इज कम्युनिकेटिंग विद रिसीवर एंड रिसीवर इन टर्न इज गिविंग अ फीडबैक दैट ही इज अंडरस्टूड द मैसेज इन वॉट एवर फॉर्म, सही या गलत। तो क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टैटिक, ये कोई स्थिर प्रोग्राम नहीं है, स्थिर जो है वो एक्टिविटी नहीं है, ये डायनेमिक है। टाइम के साथ साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं और ये चलती जा रही है। तो ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। पहले ऑर्गेनाइजेशंस में जो कम्युनिकेशन होती थी वो वर्बल होती थी, या फिर आप बोलें पेपर की फॉर्म में होती थी, कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना है अपने सबॉर्डिनेट को या जूनियर या सीनियर को, तो आप क्या करते थे, एक चिट्ठी जाती थी, एक कागज़ जाता था। अभी क्या होता है, आप मेल करते हो। तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन चलती ही रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर लेवल में पड़ती है, फैमिली फ्रेंड्स से लेकर नॉर्मल बातचीत से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपने क्या किया, समय के साथ साथ आपने क्या किया, इम्प्रूव किया अपनी कम्युनिकेशन के पैटर्न को, जो था उसको आपने इम्प्रूव किया। तो ये एक साइक्लिक और डायनेमिक प्रोसेस है, याद रखिएगा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स बट लर्नेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है, बिकॉज क्या है, इसमें दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। वेन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिस आपने नॉर्मली भी देखा होगा, आप कोई गेम ही खेल रहे हैं, मान लीजिए दो प्लेयर्स मिलके कुछ बोर्ड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, मैसेज को लेकर, कॉमन पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। सो कम्युनिकेशन में दो से ज़्यादा बहुत लोग मिले होते हैं और ये बहुत सारे लेवल्स पे बहुत तरीकों का होता है, तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाती है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, बिकॉज भेजने वाले को भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और रिसीवर एंड में भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे की स्लाइड्स में आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। बट लर्नेबल वाला पॉइंट क्या है, देखो लर्नेबल का मतलब यह है कि एक ऐसा स्किल है विच कैन बी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर आप बॉर्न अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट बॉर्न विद सच कैपेबिलिटीज़, तो आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सपीरियंस और एजुकेशन के साथ लर्न कर सकते हो। यू कैन बिकम एन एक्सलेंट स्पीकर और यू कैन बी अ एक्सलेंट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे टीचर, कुछ भी ऐसा बन सकते हो, क्योंकि आप इस एक्टिविटी को कम्युनिकेशन के सीख सकते हो। इट कैन बी लर्न or it can be acquired through what, education and experience. It's a cooperative process. जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, लर्नर और सेंडर दोनों को म्यूचुअली कोऑपरेट करना पड़ेगा समझने और सुनने के लिए। अगर दोनों में से किसी ने भी इंटरेस्ट लूज किया तो मैसेज जो होगा वो सही से नहीं पहुंचेगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा या आधा अधूरा समझा जाएगा। पर्पजिव एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक जिसे कहते हैं
बकवास या फालतू या बेकार की एक्टिविटी नहीं है, इसका एक पर्पस होता है। क्यों? क्योंकि सेंडर रिसीवर के पास अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप बॉस है और वो आपके सबॉर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और पर्पस क्या है? क्योंकि वो एक्शंस जो है वो चाहता है कि वो इम्प्लीमेंट हों, या फिर वो जो इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो बात समझें। तो क्या हो रहा है? एक पर्पस है इस चीज को करने का, इसीलिए ये एक पर्पसिव एक्टिविटी कहलाती है। तो ये इसका नेचर है, इसके पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रीरिक्विजिट्स, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होने में वही सारी बातें हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, क्विकली इनको देख लेते हैं। दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जैसे कि मैंने अभी बोला, एंड दे नीड अ कॉमन मीडियम। अब कोई भी तरह की बात करने के लिए, चाहे मैं आपको रिटन मैसेज दे रही हूँ, लिख के आपको दे रही हूँ, या मैं आपसे वर्बली बात कर रही हूँ, दोनों ही कंटेक्स्ट में बात जो हो रही है या इंफॉर्मेशन जो जा रही है, उसके लिए कॉमन मीडियम चाहिए, मतलब कि लैंग्वेज। चाहे मैं लिख के आपको दे रही हूँ, तो इंग्लिश अगर ऐसा लैंग्वेज है जो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी, तो कम्युनिकेट तब होगा। या मैं आपको वर्बली अभी लेक्चर दे रही हूँ, अगर स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो हमारी कॉमन मीडियम क्या है? हिंदी लैंग्वेज। दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग। अगर मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करूँगी और इन स्लाइड्स को बनाऊँगी, तो क्या आप तक मेरा मैसेज पहुँचेगा? नहीं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए कॉमन मीडियम चाहिए होता है, जो जनरली लैंग्वेज होती है। इसके अलावा क्या है? देखो, कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो होती है वो नॉन वर्बल होती है, मतलब कि जेस्चरल होती है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, अपनी टोन एंड टैनर से सामने वाले को मैसेज देते हो। तो क्या होता है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके जो साइंस या सिंबल्स हैं उनका मतलब कॉमन होना चाहिए। यानी कि अगर आप नॉड कर रहे हो हेड को, तो ऐसे ऐसे हिला रहे हो, तो उसका मतलब हाँ ही होना चाहिए, उसका मतलब ना नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा, गलत बात समझ आएगी। तो इसीलिए जो कॉमन जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप मीडियम यूज़ कर रहे हो, उसमें जो साइंस एंड सिंबल्स हैं उनका मतलब भी एक जैसा होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन के लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं, पहले से ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए। आगे चलते हैं प्रोसेस। एक क्वेश्चन इस पर फ्रेम कर देते हैं हम कई बार। ये जनरल सा मॉडल है, मैंने दो मॉडल्स आपके लिए लिए हैं, कोई भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। वही बात है कि जो सेंडर है उसे रिसिपिएंट या रिसीवर को मैसेज भेजना है। अब जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, हम दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें देखते हैं। चलिए, तो इसमें ये याद रख लीजिए आप, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है वो कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है। सेंडर को, रिसीवर को, या सोर्स को, रिसीवर को जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, उसे वो ऐसे एनकोड करता है, यानी कि उसका मतलब ऐसे कन्वर्ट करता है कि उसको ये बात समझ में आ जाए। चाहे वो उसको किसी सिग्नल के थ्रू या किसी कोडिंग के थ्रू, ज़्यादातर ये कंप्यूटर्स के सिनेरियो में आईसीटी या आईटी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, इसलिए एनकोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। जनरली अगर आप बोलें आमतौर की भाषा पे, तो एनकोड करने का मतलब हो गया जो मैं इन्फॉर्मेशन रिसीव को देने जा रही हूँ, वो रिसीवर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, मतलब कि रिसीवर को समझ में आ जाए, ऐसे मैंने उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया है, और ताकि जिससे रिलेटेड वो मैसेज है उसी को समझ में आए, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस से या बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद चैनल, वही जिसमें कि आप जिसके थ्रू बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, हम बहुत सारे चैनल्स देखेंगे। डिकोडिंग का मतलब होता है रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेने से पहले उसे तोड़ता है, डिकोड करता है कि जो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है उसका मतलब क्या है। तो उसके लिए वो उस चीज़ को वापस से तोड़कर और फिर समझता है कि मुझे क्या भेजा है उस चीज़ को, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, फीडबैक को वापस भेजता है। तो अगर वो आपसे पूछता है एनकोडिंग किसके एंड पे होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोर्स या सेंडर के एंड पे होती है। और डीकोड कौन करता है मैसेज को, मैसेज को कोड में बंद करना और कोड से खोलना, इसको ऐसे समझ सकते हो। और डीकोड कौन करता है, रिसीवर करता है। वहीं अगर रिसीवर जब इसे फीडबैक भेजेगा, तो रिसीवर अपने फीडबैक को पहले क्या करेगा, एनकोड करेगा, और फिर वो सोर्स को मिलने से पहले सोर्स क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, यानी उस बात को समझेगा।
उसको खोल के समझेगा कि हम मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। कॉमन भाषा में जब हम बात करते हैं तो हम एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं करते, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी में बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर में आप प्रोग्राम को रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, तो उसके लिए हमें एनकोडिंग और डिकोडिंग की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर उसके कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए बस इतना याद रखिए कि एक तो मोटा मोटा इसका मतलब क्या होता है, कौन किससे रिलेटेड है, और सीक्वेंस क्या है। इस सीक्वेंस की बात ना भी करो या अंडरस्टैंडिंग किया तो ये वाली सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की सीक्वेंस क्या है। नॉइस, इसी के बीच में देख रहे हो यहाँ पे इस पूरे टाइम पे क्या होता है कि कितने भी तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। नॉइस का दूसरा नाम, इसका मतलब यहाँ आवाज से नहीं है कम्युनिकेशन में, इसका मतलब है बैरियर्स, यानी कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं या कौन कौन से ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचने देती, या बीच में आने वाली ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर सकती हैं, उस बात को गलत जो है वो रिसीवर तक पहुंचा सकती हैं। तो जो ये नॉइज़ का टॉपिक है बैरियर्स का, ये हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बैरियर्स आपके उसमें अलग से मेंशन है और बहुत सारे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि नॉइज़ जो है वो क्या हो सकती है, कितने भी तरह की हो सकती है, यानी कि बैरियर्स कैसे भी हो सकते हैं। वो बैरियर्स इमोशनल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, बहुत सारे बैरियर्स हैं, हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। मान लीजिए मैं आपसे भी बात कर रही हूं और ये एक लाइव क्लास है, मेरा एजेंडा क्या है, सेंडर क्या कर रहा है, अपना लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा है, आप रिसीवर हैं, मैं यूज कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मान लीजिए लाइव लेक्चर के बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो क्या होगा, आप तक मेरा क्लास पहुंच पाएगी नहीं, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बीच में आधी रह जाएगी। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई तो इसने क्या किया, एक तरह से बैरियर का काम किया, आपके मैसेज को खराब कर दिया। दूसरा क्या हुआ, मान लीजिए मुझे अपने अपने फादर को कोई मैसेज देना है और उस टाइम पे, या मेरे फादर मुझे कोई चीज़ समझा रहे हैं और उस टाइम पे क्या हो रहा है, मेरा मूड खराब है, मैं किसी बात से परेशान हूँ या दुखी हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या होगा, तो मैं उस बात को ठीक से नहीं समझूंगी। अगेन मेरी इमोशनल स्टेट क्या थी, डिफर कर रही थी, तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई। क्लासरूम है, मैं क्लास ले रही हूँ, वर्चुअल क्लास नहीं ले रही हूँ, नॉर्मल क्लास ले रही हूँ, और क्लास में जो माइक है वो प्रॉब्लम करने लगा, या बाहर रोड पे से कोई ट्रैफिक जा रहा है जिसकी बहुत नॉइस हो रही है, तो अगेन क्या है, एक तरह का बैरियर है, मेरी बात आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए जान लीजिए कि जो नॉइस का एलिमेंट होता है वो इनएविटेबल है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इनएविटेबल का मतलब है कि वो होगा ही होगा, किसी ना किसी तरह की डिस्टॉर्शन रिटन, ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल, हर तरह की कम्युनिकेशन में होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैसेज को इम्पैक्ट करते हैं। आगे देखते हैं फीडबैक, ये सारे एलिमेंट्स के पार्ट चल रहे हैं अभी, और इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक, क्या होता है नेगेटिव फीडबैक, कम्युनिकेशन में फीडबैक जरूरी है नहीं जरूरी है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए मैंने इनको अलग से निकाल के भी इनकी स्लाइड्स ऐड की हैं। फीडबैक का मतलब आप अभी तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमेशा रिसीवर सेंडर को देता है ये बताने के लिए कि मैंने आपकी बात को समझ लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है या रिसीव कर लिया है किसी भी फॉर्म में। देखो यही लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियल टू नो वेदर रिसिपियंट हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम टर्म्स एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। हमेशा मैसेज डिस्टॉर्ट होता है, इसका एग्जांपल आप लोगों ने गेम खेला होगा या मैनेजमेंट गेम्स में मैं कई बार बच्चों को करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैसेज देना है तो मैं क्या करूँगी, 10 बच्चों को लाइंड अप कर दूंगी और उन 10 बच्चों के एक में से जो फर्स्ट बच्चा है उसके कान में वो मैसेज कर बोलूंगी और उसको बोलूंगी कि आप अपने अगला जो नेक्स्ट मेंबर है उसको बताइए, तो सुनने के बाद वो बताएगा और वो उससे अगले मेंबर को बताएगा। ऐसे करते करते जब लास्ट मेंबर तक वो मैसेज पहुंचता है और उसे बताने के लिए बोला जाता है तो अल्टीमेटली वो मैसेज जो है वो जिसे कहते हैं काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कई बार आप अपने कान से सही नहीं सुनते, कई बार आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कई बार आपकी समझ इतनी नहीं होती, कई बार आप अपने आप जब उसको रिपीट करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो ये क्या होता है,
फीडबैक हमेशा रिसीवर को सेंडर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसको ये बता पाएं कि मैं आपको समझ गया कि आप यही बोल रहे हैं, तो इससे उसको अश्योरेंस मिल जाता है कि जो उसने कम्युनिकेट करना चाहा था वो आपने उसी फॉर्म में समझा है, किसी फॉर्म और में गलती आपसे नहीं हुई है समझने में। इट मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बताता है, एक वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होता। जो आपने मैसेज दिया वो पहुंच गया, मतलब कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल नाउ, तो ये एक मीनिंगफुल प्रोसेस होता है। Responses of a receiver to sender's message is called feedback. Correct, हमने यही बात की है, जो रिस्पॉन्स रिसीवर देता है सेंडर को उसी को फीडबैक कहते हैं। एंड फीडबैक इज योर ऑडियंस रिस्पॉन्स, अगेन द सेम थिंग, एंड इट इनेबल्स यू टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपने जैसा चाहा था उसी फॉर्म में उतने अच्छे तरीके से वही सारी बातें जो हैं वो रिसीवर के पास पहुंची, यानी आपके मैसेज डिलीवर करने में क्या कमियाँ हो सकती हैं आपको फीडबैक से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मैसेज दिया और सामने वाला उस बात को समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फीडबैक को ही डिफाइन किया और आपसे जब मैंने आंसर पूछा तो आपने उसका गलत आंसर लिखा, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि जिस तरीके से मैंने फीडबैक के बारे में बताया वो तरीका गलत था और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो दैट वे आई एम इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ माई मैसेज और फिर मैं उसको चेंज करके फर्दर आपको बताऊंगी और फिर आपको वो सही से समझ में आएगा। अब फीडबैक के तीन ये जो टाइप्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फीडबैक पे मैं इसलिए एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस फीडबैक पे बन रहे हैं और जनरली जो इस बच्चे नहीं इस फील्ड के होते हैं उनको नहीं पता होता, तो एक बार हम सारे तरह के फीडबैक्स जो होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तीन तरह के मेजर कैटेगरीज हैं फीडबैक की, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव। ये वर्ड्स हम अपने कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, वही इनका मतलब है। इनके बारे में मैंने यही लिखा है, देखो। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है आपने किसी के अच्छे काम की तारीफ की, तो आपने क्या किया, उसे एक रिस्पॉन्स दिया, एक तरह का आपने जो उसने किया उसको रिएक्ट किया, उसका रिएक्शन दिया, कैसे करके, उसकी प्रेज करके। आपने क्या किया, उसकी प्रेज की, वेल डन, और आपने बोला कीप इट अप, ऐसा कुछ बोला, तो आपने क्या किया, उसको ये बताया कि आपने उस काम को कितना अच्छा किया, तो आपने यू आर गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यू आर गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक, कैसे करके, प्रेज करके। Why? Because that person has done some job in a good way. उसने अच्छे तरीके से काम किया तो आपने उसको पॉजिटिव फीडबैक किया। टीचर ने आपने एग्जाम दिया, आपके अच्छे मार्क्स आया, तो टीचर ने आपको बोला वेल डन, कीप इट अप। सो आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया कि आपने जो पढ़ाई की थी, आपने जो पेपर लिखा था वो टीचर को अच्छा लगा, उसमें आपने जो लिखे थे सवालों के जवाब वो सारे सही थे, तो उसने आपको रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्ड बैक किया आपकी प्रेज करके। That is positive feedback. In offices also, in organization also, when you have done something good, you have given a nice presentation, आपने बहुत अच्छा project किया, आपने अपना project deadline जो थी उसको meet up करने से पहले result दिए हैं, तो फिर boss ने आपको क्या किया, positive feedback दिया। compliment भी हो सकता है, वो कोई salary bonus भी हो सकता है, वो कोई और फायदा भी हो सकता है आपको economically, तो इस तरह से आपने positive feedback दिया। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पहले नेगेटिव पढ़ लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, आपने क्या किया, किसी का नेगेटिव बिहेवियर जो था वो उसको कोट करके बताया। नेगेटिव फीडबैक कभी भी अच्छे नहीं बोले जाते, इनको डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, किसी को जब बुरा रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी चीज़ का, तो आप एक इल बिहेवियर को पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में नेगेटिव फीडबैक नहीं बोला जाता है। इस तरह से हमें किसी को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, तो ये तो एक नेगेटिव चीज़ हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव क्या है, इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है फीडबैक्स की, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, इट हाइलाइट्स हाउ अ पर्सन कुड डू बेटर नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम आप कैसे अच्छा कर सकते हो, उसको करने के लिए जो आपको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो है कंस्ट्रक्टिव। और इसके लिए जो मॉडल मैंने यहाँ दिया है फीडबैक का, ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, AID मॉडल, जिसे एक्शन, इम्पैक्ट और डिजायर्ड आउटकम कहते हैं। ये क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। फीडबैक का ये मॉडल है, एक्शन, इम्पैक्ट डिजायर्ड और इम्पैक्ट एंड डिजायर्ड आउटकम। देखो क्या है, एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके सामने किसी ने कुछ किया, चाहे कोई वर्बल रिपोर्ट की, चाहे कोई परफॉर्मेंस दे। एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई टीम जो है वो क्रिकेट का मैच खेल रही है,
तो आपने उस मैसेज मैच में किसी पर्टिकुलर प्लेयर को किसी तरीके से खेलते हुए देखा, उसके एक्शंस को आपने नोटिस किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसका इम्पैक्ट अगर वो अच्छा खेला या आपके हिसाब से उसने किसी एक तरह की परफॉर्मेंस दी, आपने उसके इम्पैक्ट को बताया, उसे रजिस्टर करवाया कि भाई आपके इस तरह के खेलने का इम्पैक्ट आपकी टीम पर या आज के मैच पे ये पड़ा। और जो थर्ड चीज थी, आपने उसके साथ साथ क्या किया, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए उसको, उससे डिजायर्ड आउटकम यानी कि आप जो चाहते हैं वो ऐसा परफॉर्म करे, उसके लिए आपने उसको क्या किए, 3-4 टिप्स दे दिए, सजेशंस दे दिए कि आप इस तरह से करो। और इसकी वजह से जब वो अगली बार खेला तो उसने उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और फिर क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस जो आप चाहते थे वही उसने आगे जाके परफॉर्म किया। तो ये एक फीडबैक का पॉपुलर मॉडल है, एक्शन इम्पैक्ट और डिजायर्ड आउटकम, जिसमें ऐसे फीडबैक दिए जाते हैं जिससे आप मन चाहा रिजल्ट जो है वो रिसीवर से आप क्या कर पाएं, ले पाएं, उससे वो मन चाहा काम, उसकी इंक्रीज परफॉर्मेंस जो है उसको अचीव कर पाएं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं फीडबैक की। अब इसमें भी एक और फर्दर कैटेगरी है, देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होते हैं उनमें भी नेगेटिव और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फीड फॉरवर्ड और पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, ये आपको नया लगेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव फीड फॉरवर्ड और नेगेटिव पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है। एक और चीज़ है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स कंस्ट्रक्टिव है, ये याद रखना, ये वो गंदा वाला नेगेटिव नहीं है कि आपने किसी की क्रिटिसाइज किया, कंस्ट्रक्टिवली भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं कि आप दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो पास्ट बिहेवियर से रिलेटेड है। यहीं पे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि पास्ट बिहेवियर से कौन सा जुड़ा है और फ्यूचर परफॉर्मेंस से कौन सा जुड़ा है। अगर आप किसी के पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे उसको कोई करेक्टिव कमेंट्स दे रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि पहले आपने ये गलती की थी, अब आप आगे से ये मत करना, तो आप क्या कर रहे हो, उसे नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में। वही पॉजिटिव फीडबैक क्या करे हो, वही उसके पास्ट बिहेवियर को अफर्म करके, देखो पहले आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार के कंपटीशन में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, उसके पास्ट बिहेवियर को अफर्म कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो कि आपको इस तरह ही करना है, आपने तब अच्छा किया था। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, नेगेटिव तो है लेकिन आप उसको फीड फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी कि उसको आगे के लिए करेक्ट कर रहे हो, आप उसकी पुरानी गलती को बताकर उसे आगे के लिए करेक्ट कर रहे हो, आप उसे पुरानी क्या कर रहे हो, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, पुरानी अच्छी चीज़ को बताकर उसे फीड कर रहे हो आगे वही चीज़ें करने के लिए। तो इन दोनों टर्म्स को फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हो और इन दोनों टर्म्स को उसके पास्ट बिहेवियर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना और ये 4 कैटेगरीज याद करना। फिर आप कोई भी एग्जाम्पल आने दो, एग्जामिनर चाहे कोई भी एग्जाम्पल दे, आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि ये किसकी बात हो रही है। तो फीडबैक के बारे में इतना ही। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है पैराफ्रेजिंग, जनरली भी जब मैं कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाती हूँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है। नाम बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन सीधी बात ये है कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ या कम्युनिकेट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास ही ले रही हूँ या कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि जो रिसीवर होता है या जो लर्नर होता है या जो स्टूडेंट होता है, वो अपने शब्दों में ये बताता है कि वो मेरी बताई गई बात को क्या समझा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन की कोई डेफिनेशन बताई, या फिर मैंने ये बताया कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, कम्युनिकेट से डिराइव हुआ है, और फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया, तो आपने जो कुछ सुना, ध्यान से जो सुना, उसको अपने शब्दों में बताया कि मैम इज दिस व्हाट यू मीन, या ये मैं आपसे समझा कि लेट मी सी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, और इट साउंडेड लाइक दैट यू वांटेड टू एक्सप्लेन कि कम्युनिकेशन कहाँ से डिराइव हुआ। तो मैंने अपने शब्दों में बताया, उस बच्चे ने अपने शब्दों में बताया कि उसने मेरे लेक्चर से क्या समझा। तो उससे क्या फ़ायदे हुए, उससे 2 तरह के फायदे हुए। पहली चीज़ तो ये हुई कि जो मैं बताना चाहती थी मुझे पता चल गया कि आपको समझ आया या नहीं, और दूसरी बात ये हो गई कि आपने उसको क्योंकि ध्यान से सुना तो आप भी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, या वो जो कम्युनिकेशन का फाइनल एम था वो अचीव हो गया कि आपको बात समझ में आ गई। पैराफ्रेजिंग को यूज़ किया जाता है हमेशा एक्टिव लिसनिंग के कंटेक्स्ट में। देखो बेटा, एक होता है हियरिंग यानी सिर्फ सुनना, और एक होता है लिसनिंग, और उसमें भी एक्टिव लिसनिंग। जब
आप कम्युनिकेट किसी से कर रहे होते हो, कुछ बता रहे होते हो, अगर आप सिर्फ अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हो उस मैसेज को सुनने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, जरूरी नहीं है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज. व्हाई? बिकॉज यू आर जस्ट यूजिंग वन सेंस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर ईयर्स. आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं, समझने का जरूरी नहीं है. और ऐसा अक्सर क्लास में होता है बच्चों के साथ, 60% से ज्यादा बच्चे सिर्फ लेक्चर को सुन रहे होते हैं या टीचर को देख रहे होते हैं. Now, out of those students, some of them are actively listening. Why? Because then they are using their mind also. वो अपना mind से उस बात को patiently सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. They are understanding the message and also they are giving responses like when you nod your head. आप ऐसा करते हो, आपको समझ में आता है. तो यू आर नॉडिंग योर हेड, यू आर गिविंग आई कॉन्टैक्ट टू द टीचर कि मेरे को आपकी बात समझ में आई. देन यू आर डूइंग, आप क्या करो, आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो ना, यू आर नॉट ओनली हेयरिंग द मैसेज, यू आर एक्टिवली लिसनिंग द मैसेज फॉर द कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, सो दैट द कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव. कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक्टिव लिसनिंग करते हो. और वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है पैराफ्रेजिंग की, क्योंकि यही देखो मतलब क्या लिखा है. It means stating in your own words that you are understanding. What is your understanding of the message that has been just said? आपको जो message बोला गया है आपको कितना समझ में आया, आप अपनी language में जब उसका answer देते हो तो उसको बोलते हैं paraphrasing. और कैसे होता है वो, वही मैंने आपको example दिया है. यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है. It tests your understanding of communicator का message and आपको कोई misunderstanding है तो वो भी clarify हो जाती है. और आप क्या करते हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हो जहाँ पे आपको पता चलता है, आप ये मैसेज देते हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं. और इस तरह से ये एक्टिव लिसनिंग के प्रोसेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो फ्रेम होता है अक्सर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे होता है. बहुत तरह का कम्युनिकेशन होता है. मैंने उसमें से आपके लिए टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में जो हैं वो कम्युनिकेशन के अलग अलग जो कैटेगरीज हैं वो डाली हैं, सो दैट यू रिमेंबर देम. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल आजकल यूजीसी का फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि ये अनकॉमन कम्युनिकेशन है, हालांकि हम इसको रोज यूज करते हैं. इंट्रा का मतलब याद कर लो और फिर आने दो जो भी क्वेश्चन आ रहा है. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अंदर, अपने अंदर, अपने अपने से रिलेटेड, खुद से जुड़ा हुआ. यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद समवन हु इज आउटसाइड और हु इज अराउंड यू. आप क्या कर रहे हो, अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो. अब आप अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लेक्चर पढ़ाने से पहले इसकी तैयारी कर रही हूँ और कुछ चीज़ें मन मन में दोहरा रही हूँ या एनालाइज कर रही हूँ कि मुझे आज के लेक्चर को इस तरह से ख़त्म करना है, इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है ख़त्म. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एनालिसिस कर रही हूँ, अपने आप से सेल्फ टॉक कर रही हूँ, अपने आप से कम्युनिकेट कर रही हूँ, अपने आप से बात कर रही हूँ. या फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज प्रेइंग, किसी इंपॉर्टेंट चीज से पहले आप मन मन में प्रार्थना कर रहे हो, देन अगेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ. आप किसी और से प्रार्थना नहीं करते ना, आप क्या करते हो, अपने आप अंदर मन में प्रार्थना करते हो. तो अंदरूनी जो कम्युनिकेशन है अपने आप से, उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल. अब क्या करेगा वो, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन फ्रेम करेगा एग्जाम्पल्स के अराउंड. आपको सिचुएशन बना के देखेगा कि कोई आदमी था एक्स वाई जेड और वो दिन में बैठ के सपने ले रहा था कि उसे आगे 5 साल में क्या करना है या अगले 5 दिन में उसे क्या क्या चीज़ करनी है. तो ही इज़ डे ड्रीमिंग. वो दिन में सपने देख रहा है बहुत अमीर बनने के, अब हम पॉपुलर बनने के. तो वो क्या कर रहा है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है, खुद से बातचीत कर रहा है. आप अपनी डायरी लिखते हो, उसमें अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ लिखते हो, अपने मन के आप जो स्टेटस होता है वो लिखते हो, जो बातें आपको अच्छी लगी बुरी लगी वो लिखते हो. तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो. यू आर प्रेइंग, यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर रिहर्सिंग द डायलॉग्स मन मन में कर रहे हो. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा कम्युनिकेशन. और इन्हीं के अराउंड जो है वो क्वेश्चन फ्रेम होता है. अब ये क्या हेल्प करती हैं, इंट्रा कम्युनिकेशन से हेल्प क्या मिलती है, टीचिंग की बात हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, आपको प्लान करने में मदद देती है. इफ़ यू आर प्लानिंग और रिहर्सिंग समथिंग, तो आप क्या कर रहे हो, उसका आउटपुट बेटर होगा. तो आपको ये एक तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ये हो गया आपका इंट्रा. इसी के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म इंटरपर्सनल. अब इंटर का मतलब याद कर लो और फिर आने दो जो भी क्वेश्चन आ रहा है. इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, दो लोगों के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में या किसी
टीम के बीच में क्या होती है, दो लोगों का जब भी बीच में वार्तालाप होती है, बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन होता है, देन इट बिकम्स इंटरपर्सनल. नाउ दिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फेस टू फेस ऑल्सो. मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप से तो नहीं करी, द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन टू ऑफ अस. तो ये टू ऑफ पर्सन फेस टू फेस जो होती है दो लोगों के बीच में जो होती है उसे डायडैटिक भी बोलते हैं, डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ये वर्ड यूज करेगा. या ग्रुप और पब्लिक में, किसी ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है और वो अपनी कोई मीटिंग ले रहा है ओपन में, तो क्या हो रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है. या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, मैं मैनेजर हूँ और मैंने एक मीटिंग होल्ड की है डिपार्टमेंटल हेड्स की, तो क्या हो रही है, ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है. पब्लिक कम्युनिकेशन क्या हो गई, पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया और मास कम्युनिकेशन हो रहा है, लोगों के साथ बात हो रही है, एक लीडर है वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, इंटरपर्सनल हो गई, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन. फीडबैक एंड responses आर देयर फ्रॉम द रिसीवर. इस तरह के कम्युनिकेशन में फीडबैक और रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, जिससे आप बात कर रहे होते हैं उससे आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स मिल जाता है. मैसेज वंस कन्वेड कांट बी रिवर्स्ड, वेरी ट्रू एंड इम्पॉर्टेंट. मान लीजिए मैंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या कोई मीटिंग है उसमें एक पॉइंट बोल दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, बिकॉज वंस आई हैव कमिटेड और कम्युनिकेटेड दैट मैसेज रिटन और वर्बली, दैट मीन्स इट हैज गॉन. आप मन मन में बात कर रहे हो वो चीज़ आप एक्चुअल में करो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपने कोई ऑफिशियल लेटर लिख दिया, क्लास में मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो जब एक बार चीज़ कन्वे हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है, वो फिर चला गया मैसेज. और क्या हो सकता है, ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है किस फॉर्म में हो सकती है, जैसे वहाँ एग्जांपल थे तो ये फर्दर टाइप्स हैं कि ये रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, बिना बोले भी हो सकती है, और फॉर्मल या इनफॉर्मल भी हो सकती है. हम पढ़ेंगे आगे कि इनको डिटेल में क्या बोला जाता है. एंड फाइनली इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नॉलेज, मोटिवेशन एंड क्लियरिंग डाउट्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ये क्या करता है, किस में मदद करता है हमें, हमारे डाउट्स क्लियर करने में और नॉलेज की शेयरिंग के लिए, इन सब चीज़ों में मदद करता है. आगे देखते हैं, इंटरग्रुप एंड इंट्राग्रुप. अब यहां पे मतलब बदल जाता है. इंटरग्रुप का मतलब उस ग्रुप के अंदर, विद इन जो ग्रुप्स हैं वो बात हो रही है, इन्वॉल्व शेयरिंग और आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद इन अ ग्रुप. और इंट्राग्रुप का क्या मतलब है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स. इंट्रा का मतलब अब यहाँ पे वो नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल कंटेक्स्ट में था. इंट्राग्रुप का ग्रुप में जब बात करते हैं तो इंट्राग्रुप का मतलब हो गया एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच के मेंबर्स में जो बात हो रही है, और इसका मतलब हो गया कि एक ही ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर हैं उनके बीच में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और उसमें चार जोन से टीम्स गई हुई हैं, तो जो नॉर्थ जोन की टीम है उसके जो 12 मेंबर्स हैं वो आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट बिकम्स इंटर ग्रुप, ग्रुप के अंदर बात हो रही है. और इंट्रा ग्रुप का मतलब है अगर नॉर्थ जोन वाली वेस्ट जोन के साथ किसी चीज पे बात कर रही है तो वो क्या कर रही है, ग्रुप के बाहर एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ बात हो रही है, तो ये क्या हो रही है, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन. इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना, एग्जाम्पल से पिक्चर से याद रखना. अगली देख लेते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके कंटेक्स्ट में होती है, और इसीलिए इसको ऑफिस कम्युनिकेशन भी बोला जाता है. पर्पस क्या है, ऑर्डर्स बताना, पॉलिसीज कम्युनिकेट करना, प्रोसीजर्स कम्युनिकेट करना. हम क्या करते हैं ऑफिस में, इसी तरह से तो कम्युनिकेट करते हैं हम, कैजुअली नॉर्मल चिटचैट नहीं करते, या करते भी हैं तो वो उसका मेजर पार्ट नहीं है. हम मेजरली क्या कर रहे हैं, अपने काम से जुड़ी हुई कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि रिटन वर्बल कैसी भी हो सकती है. और दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन जिसमें पूछता है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसी चैनल से होता है, करेक्ट, लेकिन ये जो इसकी स्पीड है वो स्लो होती है. क्यों, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर हायरार्की को फॉलो कर रहे हो. मान लीजिए टॉप में जो बॉस है उसे कुछ कुछ बताना है तो वो क्या करेगा, पहले अपने डिपार्टमेंटल हेड्स पे भेजेगा, डिपार्टमेंटल हेड्स अपने से नीचे वाले लोगों को उस मैसेज को पहुंचाएंगे. तो इट टेक्स टाइम बिकॉज आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, और क्योंकि फॉर्मल सेटअप में कर रहे हो तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो कम हो रही है, लेकिन रिलायबल है. क्यों, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सही फॉर्म में कम्युनिकेट हो रही है, कोई भी उसमें गलती नहीं है या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. जो बॉस ने बात बतानी थी अगर उसने उसको ईमेल में भेजा है तो उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म सब कुछ
पहले से डिसाइडेड है और सारी बातें ऑथेंटिक है, उसने जो बोला था वही मेल फॉरवर्ड हुआ, वो मेल फॉरवर्ड होकर डिपार्टमेंटल हेड्स के पास गया, वहां से वो और लोगों के पास चला गया। तो स्लो तो हुआ लेकिन इन्फॉर्मेशन रिलायबल है और सबको पता है कि ये स्टैम्प्ड है और ये भेजा गया है हमारे बॉस से, तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। और ये जनरली रिटन फॉर्म में होती है, नहीं तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होती है। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, जो बात छुपाना चाहते हैं जिससे वो आप आसानी से छुपा सकते हैं। और इसके जो फॉर्म्स हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल, तीनों ही डायरेक्शन में जो ये है ये हो सकता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल का मतलब यही है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक लेवल पे एक ही डिपार्टमेंट, एक ही लेवल जो लोअर है, मान लीजिए मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, अगर ये एक ही लेवल पे काम करने वाले लोग हैं तो उन सब तक, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो मैं इंग्लिश का टीचर, हिंदी का टीचर, मैथ्स का टीचर, साइंस के टीचर, ये सारे एक ही लेवल पे मौजूद हैं, एक ही लेवल के हैं, इनमें कोई भी क्लरिकल स्टाफ का नहीं है और कोई भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है। तो एक ही लेवल में होने वाली कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन का टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो कम्युनिकेशन फ्लो हो रही है वो क्या होगी, वो वर्टिकल होगी, बॉस से सबॉर्डिनेट की तरफ, हेडमास्टर से नीचे आ रही है, जो सीधा एक हायरार्की फॉलो कर रही है वो वर्टिकल हो गई। इसमें ये जो लेवल्स हैं ये डिफरेंट हैं, ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे लेवल सेम था। अब डायगनल का मतलब होता है कई बार क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी होती हैं, यानी कि एक लेवल को सीधे वर्टिकल हायरार्की को फॉलो नहीं करते, कोई भी डिपार्टमेंटल हेड है वो क्या कर सकता है, वो बॉस से भी कई बार बात कर सकता है और जो बॉस है वो भी कई बार किसी ओकेजन पे लोअर लेवल के जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो जो डायगनल कम्युनिकेशन होती है वो भी बॉन्डिंग का काम करती है, एक तरह से कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये था फॉर्मल के बारे में। इनफॉर्मल देख लेते हैं। इनफॉर्मल का नाम सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन भी बोला जाता है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में लोगों की जो सोशल नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स का मतलब क्या होता है, सोशल नीड्स का मतलब होता है आपको किसी से बातचीत करनी है तो आपको अच्छा लगता है, आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच टाइम में बात करते हैं या ब्रेक टाइम में बात करते हैं, तो क्या कर रहे हो आप, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो, आप उनके साथ कैजुअली बात कर रहे हो, किस लिए, बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग, बिकॉज उनको अच्छा फील कराने के लिए या अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये कैजुअल चिटचैट जो होती है वो ग्रेपवाइन होती है और इसके लिए कोई चैनल की जरूरत नहीं होती और ये लेस रिलायबल होती है क्योंकि जो सोर्स होता है वो कभी पता ही नहीं होता कि कहां से बात शुरू हुई। तो जो हम अफवाहें करते हैं, जो हम र्यूमर्स होते हैं, वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये बहुत ही फास्ट होता है बिकॉज ये एक दूसरे के पास बहुत जल्दी फ्लो जाता है क्योंकि हम कोई भी ऑफिशियल या हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बात बस हम एक दूसरे से कर रहे हैं और बात क्या हो रही है, पास ऑन होके जल्दी जो है वो फैल रही है। इट इज मोस्टली वर्बल इन नेचर बिकॉज आप कोई भी अनरिलायबल बात जो है वो ऑफिशियल नेटवर्क से नहीं बता सकते, तो ये वर्बल नेचर की होती है। सीक्रेसी डिफिकल्ट टू मेंटेन होती है क्योंकि कोई भी कोई चीज़ छुपाता है या प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करता और इसकी वजह से र्यूमर्स फैलते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, सेम लेवल, कहीं पे भी इनफॉर्मली जो होती है ग्रेपवाइन वो फॉलो हो सकती है। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी देखते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट, जो भी थोड़ी सी डिफरेंट टर्म होगी वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बाजार गई हूँ, मुझे कोई मिल गया और मेरी उससे बातचीत होगी सामने खड़े होके, दो जनों के बीच में फेस टू फेस जो बात हो रही है वो डायरेक्ट होती है। मीडिएटेड का मतलब है एक थर्ड पर्सन या थर्ड मीडियम इज रिक्वायर्ड, वो मीडियम क्या हो सकता है, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल कपिल सिब्बल को कोई आर्टिकल लिखना है या कोई इकोनॉमिस्ट है और वो कोई चीज जो है उन्होंने करंट सिनेरियो के बारे में पब्लिश करी, तो उसने आपसे कम्युनिकेट तो किया लेकिन किसके मीडियम से, न्यूज़पेपर के मीडियम से। ऐसे ही सोशल मीडिया, ट्विटर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या वो आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है
कैसे? बिकॉज वो एक मीडिएटेड कम्युनिकेशन है, एक थर्ड मीडिया सोशल मीडिया की उन्होंने मदद ली और वो मैसेज आपके पास पहुंचा। तो जहां पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, सामने बात हो रही हो, दैट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जहां पे एक मीडियम जो है उसको यूज किया जा रहा हो, फिर वो मीडियम चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टीवी हो, टेलीफोन हो, सोशल मीडिया साइट्स हो, तो वो क्या हो जाता है? मीडिएटेड कम्युनिकेशन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।